अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं आपके साथ एक और न्यू गेमिंग वीडियो के साथ। और लास्ट बार जो है वो हमारी एपिसोड ख़त्म हुई थी यहीं पे, तो हम गेम स्टार्ट करते हैं अपना यहीं से। अब हमने क्या करना है, हमें मिलना है एक लड़की से नीचे जाके। पहले जो है वो हम देख लेते हैं बाहर कुछ है, हमें जो है वो स्पॉट ढूंढने थे ब्लड के, जैसे कि हम लास्ट टाइम ढूंढ रहे थे कि हम जो ये इस कमरे तक पहुँचे थे वो स्पॉट को ढूंढते हुए पहुँचे थे, यानी कि ब्लड के निशान को जो है वो फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो अभी जो है वो मैं दोबारा से यहाँ पे कोई दिख रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है वो मेरे को कुछ ब्लड के निशान, ये देखें आप, यहाँ पे जो है ब्लड के निशान कुछ नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, खोद के तो नहीं जा सकते, हम नीचे से होते हुए जाएंगे। तो हम चलते हैं नीचे की जानिब और देखते हैं कि क्या ये वी का बटन दबाने से जो है वो हमारा ये वाला मोड अनेबल हो जाता है, जिससे हम ये सारी चीज़ें बासानी देख पाते हैं। अच्छा, तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से, सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे। ये तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके पास दोबारा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर चुके हैं इनसे काफ़ी बात। तो हम यहाँ से चलते हैं नीचे, और हमारे पास जो है वो अब हर बंदे की रिपोर्ट भी आ जाती है। हमारा जो है वो स्किल जो है ये एक अनलॉक हुआ हुआ है, ये लॉक भी जो है वो डोर जो है वो लॉक है। हम यहाँ से चलते हैं सीढ़ियों से नीचे, और कहाँ गए हमारी सीढ़ियाँ, ये हमने जो है वो अपना नॉर्मल मोड अनेबल कर लिया है। और चलते हैं हम सीढ़ियों से नीचे और मज़ीद जो है वो लोकल पूछताछ करते हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी। ये जो है यहाँ पे कुछ सफाई कर रही है, पहले तो हम इससे पूछ लेते हैं, शायद इसको कुछ पता हो खास। तो एफ पर बटन दबाते हैं। इवनिंग सर, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, मेरे लिए कुछ सवाल हैं, क्या तुम मेरे जल में जवाब दोगी? ठीक है, आई वॉन्ट टू, मैं सच जानना चाहता हूँ। अच्छा, वही सच जानना चाहता है। आई स्पोक टू डॉक्टर सर्वेंस, ही इज़ नॉट द मैन, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, लेकिन वो बंदे नहीं है। एक सस्पेक्ट है मेरे को किसी बंदे के ऊपर जो है ना, कि वो आज रात यहाँ पे आया है और वो यहीं पे है। क्या तुम्हें पता है विजिटर? आई कैन फूल, मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊँ, मतलब मेरे को बताओ, मेरे को सच बताओ। तो इसने बताया विलियम बिशप, विलियम बिशप आए थे यहाँ पे और गोइंग टू क्लॉक समवन। ठीक है, टेल मी अबाउट हिम, बताओ हमें उसके बारे में बताओ। हम इससे पूछ लेते कि भाई ये कुछ बताना चाह रही है। टेल मी अबाउट विल हैज़ अ सेलर, तो ये जो है हमें कुछ बंदे के बारे में बता रही है, और वो बंदा जो है अपनी जॉब भी खोज चुका है, ये भी बताया जा रहा है हमें यहाँ पे इस लड़की के थ्रू। सीक्रेट रखना चाहते हैं ये, हम पूछ रहे हैं भाई क्यों रखना चाहते हो आप सीक्रेट। तो उस बंदे के पास जॉब भी नहीं है, ये बातें हमें बताई जा रही हैं यहाँ पर। खैर, गुड मैट्स रिबर्ट रिसेंटली स्टार्टेड टू गेट, क्या लेना शुरू कर दिया उन्होंने अग्रेसिव, मतलब वो जो बंदा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहने लगा, यानी गुस्से में रहने लगा है। और शोर टू टॉक टू टॉम, आपका शुक्रिया, और आपको जो है वो टॉम से बात करनी चाहिए जाके। तो यहाँ पे हम किसी और ही बंदे से भी बातचीत करके देखते हैं। और ये सिटीजन हिंट्स, हमारे पास जो है वो एक और स्किल हमारा अनलॉक हो चुका है। हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं, किससे हटेगा ये यार, ये टैप से हटेगा, प्रेस टैप, सिंपली टैप आप दबाएंगे तो ये हट जाएगा। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए यहाँ पे। अभी हम किसी और से भी जो है वो बात करके देखते हैं यहाँ पे, कि हमें शायद किसी और से भी लोकल हेल्प चाहिए ना अभी फ़िलहाल तो हमें, क्योंकि हमें स्पोर्ट, वैसे तो हमें स्पोर्ट को देखते हुए जो है वो आगे बढ़ना ये, अगर हम हमारे पास जो है वो हम किसी भी सिटीजन की जो है वो अब डिटेल्स ले सकते हैं यहाँ से, जिस बंदे के बारे में हमें जानना है, तो हम यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके उस बंदे के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या करता है, क्या रिलेशन है उसका, क्या नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास तीन ही बंदे हैं जो कि अभी हमें यहीं मिले हैं, बार के अंदर ही मिले हैं। ये वो बंदा जिससे भी लास्ट टाइम बात करी थी, ये वो औरत जिससे भी हम बात कर रहे थे, और एक ही वो बंदा जो जिसने हमें बताया था कि भाई फर्स्ट फ्लोर पर आपने जाना है। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास अनलॉक हो चुके हैं। खैर, अब हमें जो है वो स्पोर्ट को ही फॉलो करना है, इससे दोबारा बात की जाए, कर तो चुके हैं यार इससे। हेलो, मैं आई डिस्टर्ब यू अगेन, क्या ना मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब कर दिया, तो हम गुड बाय कह देते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल जवाब हो चुके हैं। किसी और को तलाश करते हैं, वो जो कपड़े सिटेक साफ कर रहा है उससे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। ढूंढते हैं यार यहाँ पे किसी और को, शायद हमें कुछ मिले। एक्सप्लोर गेम है यार, मज़ा आता है ऐसे गेम्स खेलने में। उम्मीद है आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा इस गेम को प्ले करने में। पोर जे ही डू नॉट डिजर्व दिस, प्लीज़ लीव मी अलोन, ये बंदी कह रही है कि भाई मुझे छोड़ दो अकेला, मैं किसी से जो है वो मिलना नहीं चाहती। ये बाहर आके हम मौसम देख लेते हैं, बाहर तो कोई जगह नहीं है, स्पॉट देख लेते हैं, शायद हमें कोई स्पॉट मिल जाए। खैर, वापसी चलते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं,
यहाँ से हमें जितनी मालूम मिलनी थी वो हमें मिल चुकी है, तो हम यहाँ से बाहर आ गए। लाइम हाउस टॉक था भाई ये। अब हम चलते हैं आगे की जानिब। हमें जो है वो अगेन स्पोर्ट्स का ही पीछा करना है अभी, खून वाले, क्योंकि हमें पता चलाना है यार कि वो बंदा कौन है यार जो तुम्हें कत्ल कर रहा है। व्हाट बीन डन टू मी टू दिस सिटी, क्या हुआ इस शहर के साथ। हमें जो है यार स्पोर्ट्स को ही फॉलो करते हुए ना फिलहाल लगाना है पता कि किस कौन बंदा है जो यार ये सारे कत्ल कर रहा है और चल क्या रहा है सिटी के अंदर ना। तो वो दिख रहा हमें एक स्पॉट, उम्मीद आपको भी दिख ही रहा होगा। तो हम चलते हैं यहाँ से उस स्पॉट की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या मामला है। वो रहा सीढ़ियों से आ जाते हैं हम टाउन, और ये हम पहुँच गए हैं स्पॉट के पास। और यहाँ पैरों के निशान भी बने हुए आ रहे हैं यार, जो बंदा था वो यहाँ पर शायद मौजूद था और गायब हो गया है। तो हम आ गए हैं इस तरफ और ये पैरों के निशान भी यहाँ पर हमें दिख ही रहे हैं। यहाँ एक बोट है, इसको ज़रा हम देखते हैं कि क्या है इधर। दी बॉडी स्टिल वार्म, बॉडी जो है गर्म है, और ड्रैंड ब्लेड खून जो है वो मतलब इससे निकल रहा है। तो क्या करें भाई, हम एक काम करते हैं, पहले एग्जामिन करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ है, और ये नोट को छोड़ो, अब हमने क्या करना है कि हम इसके ज़ख्म वगैरह देखें या बोट देखते हैं। बोट क्या है, ब्लड एंड एम्प्टी गिन बॉटल्स फुल, जिस तरीके से पहले जगह पे मिल रही थी ना वो ही जो है हमें सब सामान मिला है, ड्रिंक वगैरह यहाँ पे मिली है। और अब इसके ज़ख्म देख लेते हैं भाई, इसके द कॉर्प्स हैज़ बीन ड्राइड ऑफ इट्स बेड जस्ट लाइक द प्रीवियस विक्टिम, जैसे पिछले वाले विक्टिम के पास हमें ज़ख्म वगैरह मिले थे वैसे जो है यहाँ भी हमें मिल रहे हैं। और बॉडी जो है बंदा लड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाथापाई वगैरह हुई है, और ब्लड जो है वो स्प्लिट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कहीं और भी जो है हमें पड़ा हुआ मिलेगा ब्लड, तो देखते हैं यहाँ पे कहीं ब्लड पड़ा हुआ है आसपास क्या। माउस को रोटेट करके देखते हैं, शायद हमें कहीं और ब्लड भी पड़ा हुआ मिल जाए। तो वहाँ शायद पड़ा हुआ है सामने, आई थिंक वहाँ पे एफ का निशान आ रहा है, तो दबाते हैं। और ये पहुँच गए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर है भाई ब्लड काफ़ी जो है मिकदार के अंदर ना। तो यहाँ पर था वो बंदा जिस बंदे ने इस बोट वाले बंदे को मारा। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें कुछ और मिलता है या नहीं मिलता। इस तरीके से जो है वो हमारा गेम स्टोरी मोड के अंदर आगे बढ़ रहा है, और ये गेट खुला हुआ है, यहाँ पे खून के निशान हमें दिख रहे हैं। काफ़ी देर से हम खून के निशान को ही फॉलो कर रहे हैं, और एक ये बंदा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये बंदा खा रहा है इसको, तो हम इसको मार देते हैं। शायद इससे कुछ हमें मिले तो हम इसको मार डालते हैं। बात तो ये करेगा नहीं भाई, ये तो जान से मर गया, यानी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। चलो और सर्च करते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ और मिल जाए। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो एफ दबाते हैं और हम पहुँच गए ऊपर। आई एम कूल्ड, मैं ठंडा हूँ, नथिंग हेयर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हेड बैक टू वार्म लफायर, शट द फुलिश माउथ, और अपना मुंह बंद रखो, अपने आप को ही कह रहा है यार ये। खैर यहाँ फो रहा एक बंदा, इसको मारते हैं, देखते हैं इससे कोई रिपोर्ट मिलती है हमें या नहीं मिलती। बंदे को मारने पे कुछ ऑल द मोर रीजन टू शट इट बेली इफ द मैन, तो यहाँ पे ये बातें ही हो रही हैं फिलहाल हमें कोई, बट वन जॉब वगैरह मतलब फायर इनफ बहुत ज़्यादा हो गई, शायद मारा मारी हाइड होना पड़ेगा कहीं पे, ठंडा वगैरह हो गया है शायद ये बंदा। तो यार यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हम या वापसी भी दबा के दूसरे मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे खून नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है हमें यहाँ से अगेन, तो हम सीढ़ियों के ज़रिए जाते हैं। ये तो वही जगह यार जहाँ अभी हमने बंदे को मारा है, ये डोर लॉक है, क्या करें यार, नीचे चलें वापसी, क्योंकि यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है। एक वो खून जो है वो हमें पड़ा हुआ नया दिख रहा है, तो हम नीचे चलते हैं और जाते हैं वहाँ से आगे, शायद फिर हमारा गेम कुछ आगे बढ़े। एक ब्लड का निशान ये रहा, और यहाँ तो कुछ नहीं है यार, सीढ़ियों से नीचे ही जाना पड़ेगा लगता है। गाइस उम्मीद है मेक श्योर कि आपने जो है वो अभी तक लाल वाला बटन दबा दिया होगा सब्सक्राइब का, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो यार नीचे चलते हैं, यहाँ तो बेकार आ गए हम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे लिए, सब कुछ बंद है। कहाँ गई डोर इस लॉक, यहाँ भी कुछ नहीं है। चलो वो ही सामने ना सीढ़ियाँ, तो वहाँ से हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा गेम बढ़ता है या नहीं बढ़ता। यहीं से आए थे ना हम ऊपर, उस वक्त डायरेक्ट चढ़े थे हम, वो ये जा रहा खून का निशान, नहीं ये तो वही है जहाँ से हम आए, ये वहाँ सामने हमने बंदे को मारा था, वो एक नया निशान। तो उस तरफ जाके देखते हैं कि क्या है कुछ नया।
हाँ हाँ यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, वापसी जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। और हाँ ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको मारते हैं। मारा मारी चल रही है अभी तो फिलहाल, मतलब मजीद गेम एक्सप्लोर हो रहा है। मैं अभी तक वो शख्स नहीं मिला यार जो ये सारा खून खराबा अभी तक कर रहा है। ये डरा हुआ था और मार डाला हमने इसको यार, मुश्किल से मरता है यार। पिछली बार भी बड़े मुश्किल से मारा था यार। मर जा भाई, वी डोंट वांट सी एनी ऑफ दिस बास्टर्ड्स। मुझे और बास्टर्ड्स नहीं देखने जैसे। ये एक बंदा गोलियां चला रहा है यार, ये मरते हैं यार हम गोलियों से। तुम नहीं मार सकते हमें गोलियों से। इसको भी जो है वो हम मार देते हैं। बचा गया, मर गया। खैर एक वो सामने जगह दिख रही है हमें लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो वहाँ जाके देखते हैं शायद कुछ नया हो, एक्सप्लोर हो कुछ। और तो कहीं है नहीं, एक ये गेट खुला हुआ है। इस गेट से अंदर जाएं या वहाँ जाएं? पहले यहाँ जाते हैं, फिर अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो यहाँ से अंदर आ जाएंगे। स्पोर्ट्स तो वहाँ बता रहे, तो डायरेक्ट यहीं चलते हैं यार। ये बंदा है यहाँ पे, ये लो भाई, इसको भी मार दिया हमने। इसके पास हमें कुछ मिले शायद, इसकी तो काफ़ी लाइफ आ रही है। इसको मार देते हैं। एक वो बंदा नकाब के अंदर है। काफ़ी देर से यार, काफ़ी टाइम से स्पोर्ट को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। हील योर सेल्फ, नहीं इसको मार दो बस यार। ओए गाइस, आप भी ये गेम प्ले कर सकते हैं अपने सिर्फ क्वाड प्रोसेसर के अंदर। आप भी गेम प्ले कर सकते हैं बासानी। मेरे जो पीसी की रैम है ये बता चुका हूँ, 4GB है भाई और क्वाड कोर का प्रोसेसर है। और आसानी से मैं ये गेम प्ले कर लेता हूँ। 2018 का है लेकिन बासानी प्ले हो जाता है। अच्छा आए कहाँ से थे यार हम? यहाँ पे आए थे हम। ये फिर ब्लड का निशान, एक वोरा। आए कहाँ से थे यार हम? चले मेरे ख्याल में यहाँ से आते थे, ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं गेम के अंदर। हाँ शायद ये नई जगह है हमारे लिए। अच्छा जी यहाँ पे ये भाई, हाँ भाई नहीं पहुँच जगह पहुँच गए हम। नॉर्थ डॉक के अंदर पहुँच चुके हैं हम। और फिर से हमने अगेन जो है वो ब्लड के निशान को ही फॉलो करना है जो कि अंदर जा रहा है। तो हम इसको फॉलो करते हैं। यहाँ से हम आए यार, फिर इससे यहाँ जाना है हमें अंदर। तो ये आ गए हम एक न्यू लोकेशन के ऊपर। फ्रेश ब्लड, फिर से हमें जो है वो ताज़ा खून देखने को मिल रहा है और ये बहुत ज़्यादा ताज़ा है। और ये आई नो योर हार्ट विलियम, विलियम शायद हम जिसका पीछे कर रहे हैं उसका नाम विलियम है यार। थ्रीट्स यू सी आई नीड अ ड्रिंक, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है अब। इसको जो है भाई पीना है ड्रिंक। ये हमें चाकू मिल गया शायद यहाँ से एक। हाँ यूज़, पता नहीं क्या है चाकू है क्या है यार। वी हैव डोंट इट बिफोर, मेरे पास पहले नहीं था ये। ठीक है, आई हैड अ ड्रिंक आउटसाइड, मेरे को एक ड्रिंक लेनी है बाहर से। तो गाइज यहाँ पे जो है ये एक हमें गेट मिल रहा है ओपन, हम यहाँ घुस जाते हैं। और डियर दिस प्लेस रेक्स ऑफ ब्लड, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो खून हुए हैं। जस्ट अ सिप, मुझे एक खून पीना, मतलब एक सिप लेनी है यार। जैसे कि रोब्जा हो गया यार, ये रोब्जा की तरह एक सिप लेने की बोल है। खून को इतना इजीली लिया हुआ। विलियम, शायद हमें यार विलियम से लड़ना है। यहाँ पे कोई विलियम है। दिस क्रेचर इज आई मस्ट पुट, ये विलियम है भाई जिसको हमने मारना शायद। और ये बला है इसकी जो है विलियम भाई शॉबर, इसको हम इतने से ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया और हमने इसको मारना है। इसकी लाइफ भी काफ़ी बड़ी आ रही है यार। इसी बंदे को मारना है हमें शायद, इसी को हमें तेर से ढूंढ रहे थे। और अब ओए हमारे पड़ गए यार। ओ तेरी खैर गाइस, अभी तक जितने भी मैंने अपने अभी तक जो है मैंने जितने भी गेम्स प्ले करे हैं उसमें मेरे को ये गेम काफ़ी बेटर लगा। एक नई कहानी के साथ, स्टोरी के साथ जो है वो हमें ये गेम देखने को मिला है। ज़ॉम्बीज वगैरह के तो बहुत सारे गेम देखे हैं, बेतहाशा गेम है हमारे पास, लेकिन ये वैम्पायर बेस के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा गेम है। और एक और मूवी जो है वो वैम्पायर बेस के ऊपर बनी है, उसका नाम है प्रिस्ट, ऐसी कुछ नाम है। एक मैंने आपको बताई थी अंडरवर्ल्ड और एक प्रिस्ट, ये दो मूवीज़ हैं जो वैम्पायर पर बनी हुई हैं। अंडरवर्ल्ड तो खैर काफ़ी लंबी है। खैर हम इसको मार देते हैं, ये हमें काफ़ी देर से पीट रहा है लेकिन इसकी लाइफ ख़त्म। द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड, खैर इसको हमने मार दिया है। इसके ऊपर शायद कोई हमें यहाँ से कुछ और मिले, हम देखते हैं कुछ और मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चेक ऑन द विक्टम, तो हमने जिसको मारा है शायद हमने उसी को जो है वो चेक करना है। विलियम प्लीज़ स्टॉप, यार मारने के बाद तो स्टॉप को बोल रहा है। यहाँ से हमें कोई चीज़ मिली है और आई थिंक हमें यार कुछ और तो नहीं दिख रहा। हमने जिसको मारा है उसको दोबारा जाके चेक करते हैं, मारा नहीं मारा। लेट मी गो, मुझे जाना चाहिए अभी, जाने की कह रहा है। तो रास्ता कहाँ है हमारे पास जाने का? इस बंदे को मारा जो पड़ा हुआ है, इसको दोबारा देखते हैं। इट्स टू लेट, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है।
हाँ सुबह होने वाली होगी, सुबह हो जाती है तो फिर हम चल जाते हैं धूप से, तो पता ही है आपको। इस बंदे को दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास चेक करने का, तो दबाते हैं। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। द लॉर्ड इज़ माई शेवर्ड, माफ़ तो कर दिया लेकिन मारने के बाद, क्या बात है यार। यहाँ पे हमने एफ को बटन दबा दिया है, और ये विलियम वाज एन हॉनरेबल मैन, ये बहुत अच्छा मतलब एक होता है ना वफादार बंदा था। आर यू इन दियर, तुम यहाँ पे हो। आई न्यू हिम वेल, मैं तुम्हें जानता हूँ। और लिसन टू साउंड ऑफ माई वॉइस, मेरी बात सुनो। आई एम अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है, ये अपने आपको डॉक्टर बता रहा है भाई इस बंदे को। आई मस्ट अटेंड टू माई फ्लॉक। ओ पीछे कौन आई है इसको, ये लड़की ने मार दिया। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, लड़की कहाँ से आ गई यार। रिमेंबर स्केल्स ऑन बिट एसेंस एज वी आर। हु आर यू, व्हाट डू यू मीन बाय स्कल, तुम कौन और तुमने मेरे को स्कल क्यों कहा। यू ट्रूली आर नाउ, तुम जो है अभी न्यू बॉर्न हुए हो। वेट, यू आर द वुमेन फ्रॉम द, अच्छा ये वो लड़की है यार जो हमें उधर मिली थी बाहर के अंदर, जिसने सब कुछ पूछा था ना, ये वो वाली लड़की है। कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगी। यार ये तो वही लड़की है। ओए होए, ये भी उड़ गायब हो गया, यानी कि ये जो लड़की हमें मिली थी, इसने हमारी मदद करी थी, ये भी एक वैम्पायर ही है। ओए होए होए, और ये बंदा जिंदा है जिसको हमने मारा, यानी कि ये भी इसकी तरह, जैसे कि गेम के स्टार्ट में हुआ था कि ये बंदा जो है एक उसमें था यार नेडमेयर में, तो ये बंदा भी नेडमेयर में। तो ये कश्ती के अंदर आ गए हैं डॉक्टर साहब। पेशेंट्स गुडफुल, यार वो डॉक्टर जो हमें भी कुछ देर पहले वहाँ पे मिला था होटल के अंदर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू सिक्योर माय बोर्ड, मैं अपनी बोर्ड को जो है वो किनारे पे लगा लूँ फिर तुम्हारा। विलियम वार नोज द एविल मैन, विलियम जो है वो गंदा ख़राब बंदा नहीं था। इस ड्रिंग, इसने जो है ड्रिंक वगैरह भेज दी, खैर इसको जो है मेडिकल अटेंशन चाहिए, हम इसको बता रहे हैं। नो प्लीज़, आई मस्ट अटेंड माई फॉल्ट, माई फ्लॉक नीड्स मी, गो विद द गुड डॉक्टर। खैर ये जो है हमने इस बंदे को, विलियम को जो है वो डॉक्टर के हवाले कर दिया है। ये सन इज सून राइज, सन जो है वो निकलने वाला है, तुम्हें जो है वो छुपना चाहिए। तो गाइज़ हम यहीं पे अपनी वीडियो को जो है वो भी फ़िलहाल रोकते हैं, आगे वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को दबा दिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।